मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाकिस्तान को भारत के सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखा जाता है। 1947 के पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान की हरकतें हमेशा भारत के खिलाफ रही हैं। कभी पाकिस्तान भारत के लिए कुछ अच्छा करे ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, पर एक बार बात ऐसी कुछ हुई कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी एक हरकत पे अफसोस जताया। ये कब और कैसे हुआ, जाने मॉडर्न बाबा के इस वीडियो में। ।1965 भारत पाक युद्ध के कई वर्षों बाद पाकिस्तानी पायलट ने अफसोस जताया। 19 सितंबर 1965 की सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राव मेहता बहुत तड़के ही उड़ गए थे। 10 बजे उन्होंने एनसीसी की एक रैली को संबोधित किया, खाना खाने के लिए घर लौटे और दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी सरोज बेन, उनके 3 सहयोगी और गुजरात समाचार का एक संवाददाता था। जैसे ही वो हवाई अड्डे पहुंचे, भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट जहांगीर जंगू इंजीनियर ने उन्हें सैल्यूट किया। उन्हें 400 किलोमीटर दूर द्वारका के पास मीठापुर जाना था, जहां बलवंत राय मेहता एक रैली में भाषण देने वाले थे। उधर 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के मौरीपुर एयरबेस पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुखारी और फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन से कहा गया कि भुज के पास रडार पर एक विमान को चेक करें। कैस अभी 4 महीने पहले ही अमेरिका से F-86 सेबर का कोर्स कर लौटे थे। कैस ने बीबीसी को बताया, स्क्रैम्बल का सायरन बजने के 3 मिनट बाद मैंने जहाज स्टार्ट किया। मेरे बदीन रडार स्टेशन ने मुझे सलाह दी कि मैं 20,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ूं। उसी ऊंचाई पर मैंने भारत की सीमा भी पार की। 3-4 मिनट बाद उन्होंने मुझे नीचे आने के लिए कहा। 3,000 फुट की ऊंचाई पर मुझे ये भारतीय जहाज दिखाई दिया जो भुज की तरफ जा रहा था। मैंने उसे मिठाली गांव के ऊपर इंटरसेप्ट किया। जब मैंने देखा कि ये सिविलियन जहाज है, तो मैंने उस पर छूटते ही फायरिंग शुरू नहीं की। मैंने अपने कंट्रोलर को रिपोर्ट किया कि ये असैनिक जहाज है। मैं उस जहाज के इतने करीब गया कि मैं उसका नंबर भी पढ़ सकता था। मैंने कंट्रोलर को बताया कि इस पर विक्टर टेंगो लिखा हुआ है, ये 8-सीटर जहाज है, बताइए इसका क्या करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहीं रहें और हमारे निर्देश का इंतज़ार करें। इंतज़ार करते करते 3-4 मिनट गुजर गए। मैं काफ़ी नीचे उड़ रहा था, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी कि वापस जाते समय मेरा ईंधन न खत्म हो जाए। लेकिन तभी मेरे पास हुक्म आया कि आप इस जहाज को शूट कर दें। कैस हुसैन याद करते हैं, कंट्रोलर ने कहा कि आप इसे शूट करिए। मैंने 100 फुट की दूरी से उस पर निशाना लेकर एक बर्स्ट फायर किया। मैंने देखा कि उसके बाएं विंग से कोई चीज़ उड़ी है। उसके बाद मैंने अपनी स्पीड धीमी कर उसे थोड़ा लंबा फायर दिया। फिर मैंने देखा कि उसके दाहिने इंजन से लपटे निकलने लगे। फिर उसने नोज ओवर किया और 90 डिग्री की स्टीप डाइव लेता हुआ जमीन की तरफ गया। जैसे ही उसने ज़मीन को हिट किया, वो आग के गोले में बदल गया और मुझे तभी लग गया कि जहाज में बैठे सभी लोग मारे गए हैं। कैस बताते हैं कि शूटिंग से पहले उस विमान ने उन्हें बार बार संकेत देने की कोशिश की थी कि वो एक असैनिक विमान है। जब मैंने उस जहाज को इंटरसेप्ट किया, तो उसने अपने विंग्स को हिलाना शुरू किया, जिसका मतलब होता है हैव मर्सी ऑन मी। उसी दिन शाम को 7 बजे की बुलेटिन में आकाशवाणी ने घोषणा की कि एक पाकिस्तानी विमान ने भारत के एक सिविलियन जहाज को गिरा दिया है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता सवार थे। PVS जगन मोहन और समीर चोपड़ा अपनी किताब द इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर ऑफ 1965 में लिखते हैं, नलिया के तहसीलदार को क्रैश साइट पर भेजा गया। वहाँ उन्हें गुजरात समाचार के पत्रकार का जला हुआ परिचय पत्र मिला। कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, मसलन जहाज को लड़ाई की जगह पर बिना किसी एस्कॉर्ट विमान के क्यों जाने दिया गया? क्या जहाज भारतीय वायुसेना की जानकारी के बिना वहां गया?
चार महीने बाद इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आई। इसके अनुसार मुंबई के वायुसेना प्रशासन ने मुख्यमंत्री के विमान को उड़ने की अनुमति नहीं दी थी। जब गुजरात सरकार ने जोर डाला तो वायुसेना ने कहा था कि अगर आप जाना ही चाहते हैं तो अपने रिस्क पर वहां जाइए। यह पहला मौका था कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच एक असैनिक विमान को निशाना बनाया गया था। बलवंत राय मेहता भारत के पहले राजनीतिज्ञ थे जो सीमा पर एक असैनिक एक्शन में मारे गए थे। जहाज के पायलट जहांगीर इंजीनियर का परिवार उस समय दिल्ली में रहता था। उनकी बेटी फरीदा सिंह को सबसे पहले यह खबर उनके चाचा एयर मार्शल इंजीनियर से फ़ोन पर मिली कि उनके पिता और इंजीनियर के भाई इस दुनिया में नहीं रहे। फरीदा सिंह ने बीबीसी को बताया, पहले सुनकर तो दुख हुआ ही, जब डिटेल्स आए तो और दुख हुआ। वो अपना पीछा कर रहे जहाज से बचने के लिए 45 मिनट तक उड़ते रहे। वो खुद फाइटर पायलट थे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि छोटे जहाज में सेबर जेट की तुलना में पेट्रोल कम खर्च होता है। वो काफ़ी देर तक अपने जहाज को ऊपर नीचे करते रहे। कैस हुसैन ने उन पर तब फायरिंग शुरू की जब उनके विमान में बहुत कम पेट्रोल रह गया था। वो जब इस मिशन के बाद जब मौरीपुर हवाई बेस पर उतरे तो उसमें इतना कम पेट्रोल था, उनका इंजन फ्लेम आउट हो गया था और उनके जहाज को टो करके ले जाना पड़ा था। आप कह सकते हैं कि डैडी ऑलमोस्ट मेड इट। कैस हुसैन का अफसोस का ईमेल। इसके बाद इस घटना पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। कैस हुसैन भी इस ट्रेजेडी को अपने दिल में भरे चुपचाप रहे। 46 साल बाद पाकिस्तान के अखबार में कैसर तुफैल का एक लेख छपा जिसमें उन्होंने इंजीनियर के विमान को युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति देने के लिए भारतीय ट्रैफिक कंट्रोलर्स को जिम्मेदार ठहराया। तब कैस ने तय किया कि वो भारतीय विमान के पायलट की बेटी फरीदा से संपर्क कर इस हादसे पर अपना अफसोस प्रकट करेंगे। मुझे लगा कि इनके परिवार वालों को ये तक नहीं पता कि ये किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी। मुझे लगा कि मुझे उन लोगों को ढूंढ कर सही सही बात बतानी चाहिए। मैंने इसका जिक्र अपने दोस्त नवीद रियाज से किया। उनके ज़रिए मुझे जंगू इंजीनियर की बेटी फरीदा सिंह का ईमेल मिला। 6 अगस्त 2011 को मैंने उन्हें एक ईमेल लिखा जिसमें मैंने सारा किस्सा बयान किया। मैंने लिखा कि मानव जिंदगी का खत्म होना सबके लिए दुख की बात होती है और मैं इसका अपवाद नहीं हूँ। मुझे आपके वालिद की मौत पर बहुत अफसोस है। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं खुद आपके सामने आकर इस घटना पर अपना अफसोस प्रकट करूँगा। माफ़ी मैंने नहीं मांगी क्योंकि जब फाइटर पायलट अंडर ऑर्डर होता है तो दो सूरतें होती हैं। अगर वो मिस करता है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है कि आपने क्यों मिस किया, और अगर वो जानकर नहीं मारता तो एक कोर्ट मार्शल ऑफेंस होता है कि आपने आदेश का उल्लंघन किया। वो कहते हैं मैं नहीं चाहता था कि मैं इनमें से किसी आरोप का हिस्सा बनूं। फरीदा का जवाब। उधर फरीदा सिंह को पहले ये पता ही नहीं चला कि कैस हुसैन ने उन्हें इस तरह की ईमेल लिखी है। उन्होंने बीबीसी को बताया, मुझे पता चला कि वो पायलट जिसने मेरे पिता के विमान को गिराया था मुझे ढूंढ रहा है। मुझे ये सुनकर एक झटका सा लगा। मैं थोड़ा सा झिझकी भी क्योंकि मैं अपने पिता की मौत के बारे में दोबारा कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उन दिनों मैं अपना ईमेल रोज़ नहीं खोलती थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन कर कहा कि आपके नाम इंडियन एक्सप्रेस में एक चिट्ठी छपी है। मैंने तुरंत अपना ईमेल खोला और उसे जवाब देने में एक मिनट की भी देरी नहीं की। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके खत में कोई लाग लपेट नहीं था और वो दिल से लिखा गया था। वो बताते हैं उन्हें उस बात के लिए काफ़ी दुख था। उन्होंने लिखा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वो व्यक्तिगत रूप से मेरे पिता के खिलाफ नहीं थे, ये लड़ाई थी। कैस कहते हैं उनका बहुत ही अच्छा ईमेल था, मैंने तो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया था लेकिन उन्होंने कई कदम आगे बढ़ाए। लड़ाई में हम सब प्यादे हैं। फरीदा कहती हैं कि मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि केस ने 46 साल बाद ऐसा क्यों किया, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आई कि अगर दो देशों के बीच दुश्मनी है तो कोई तो उस पर मलहम लगाए। उन्होंने पहल की, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखना चाहती थी जो उन्हें बुरी लगे। मैंने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि ये पायलट की गलती है, वो एक लड़ाई लड़ रहे थे। बड़े अच्छे लोगों को भी लड़ाई में वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती है। मैंने उन्हें लिखा कि लड़ाई के खेल में हम सब लोग प्यादे होते हैं। मैंने उन्हें लिखा कि इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शांति मिलेगी। दोस्तों, दो देशों के बीच की लड़ाई बहुत ही तकलीफदायक होती है।
पर भारत अभी टेक्नोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली हर लड़ाई को जीतने में सक्षम है। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि कैसे भारत ने अपनी मिसाइल प्रोग्राम को जीरो से शुरू करके बहुत आगे पहुंचाया, तो आप हमारे परम आदरणीय भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई बुक विंग्स ऑफ फायर जरूर पढ़ें, जिसका अमेजन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इस वीडियो को पहुंचाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।